हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर अकेडमी। आज हम करेंगे लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 2018 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ नीचे में, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको PDF फॉर्म मिल सकता है। चलिए देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर का। सबसे पहला हम लोग आमिर खान का देख रहे हैं। आमिर खान किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अक्षय कुमार अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोड सेफ्टी। तो ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है और ये दोबारा रिपीट हो सकता है। तो रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उबेर रोप्स इन द विराट कोहली एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो उबेर का ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए? तो ये हैं विराट कोहली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि इंडियन टीम के कैप्टन अभी हैं। असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक द हिमा दास स्टेट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर असम गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए हिमा दास को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हिमा दास है कौन? आपको पता होगा एशियन गेम्स में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली औरत बनी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विराट कोहली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ल्यूमिनियस पावर न्यू ब्रांड अमेज। तो आपको पता है कि विराट कोहली ये दूसरा ब्रांड एम्बेसडर, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं किसके, उबेर के। उबेर के बाद सेकेंड नंबर का हो गया ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस के भी कौन है ब्रांड एम्बेसडर? विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक्ट्रेस एलिना डिसूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द टूरिज्म फिजी ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन मार्केट। तो टूरिज्म फिजी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एलिना डिसूजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राणा दुगुबती अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलुगु टाइगर्स। आपको पता है भल्लाल देव, बाहुबली मूवी, यही है भल्लाल देव हम लोग के, जो बाहुबली मूवी में कैरेक्टर किए हैं। तो इनका नाम राणा है और ये तेलुगु टाइगर्स का ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए बोट अपॉइंटेड जैकलिन एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए जैकलिन जो फर्नांडिस थी, जैकलिन फर्नांडिस, ये बोट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुनी गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS धोनी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स। तो देखिए जो फार्मेसी है नेटमेड डॉट कॉम, आप देखोगे बहुत बहुत सारे जगह इसका शॉप ऑफ है। तो नेटमेड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? MS धोनी। आपको पता है MS धोनी इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, दो दो वर्ल्ड कप जिताए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब आज के डेट में। देखिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैज बीन अपॉइंटेड एज नेम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एडुकेट गर्ल। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई पैसा नहीं लिए हैं, फ्री में इसका ब्रांड एम्बेसडरिंग कर रही है, क्या एडुकेट गर्ल्स करके है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाएगा कि एडुकेट गर्ल्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको क्या आंसर मानना होगा? कैटरीना कैफ। चलिए देखते हैं। फिलिप्स इंडिया अपॉइंटेड आलिया भट्ट ब्यूटी रेंज प्रोडक्ट एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो फिलिप्स इंडिया का कौन है ब्रांड एम्बेसडर? यह है आलिया भट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिलिप्स इंडिया अपॉइंटेड विराट कोहली एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट। तो फीमेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट के लिए कौन थी? आलिया भट्ट। और मेल के लिए ये हैं विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम, इंडिया का जितना भी एग्जाम होगा उसमें ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा। तो इसुजू मोटर्स जो अपॉइंटेड एज द जॉन्टी रोड्स एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो जॉन्टी रोड्स को इसुजू मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेम ऑफ थ्रोन एक्ट्रेस नैथेलिया इमिन्यूल हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फिटनेस ब्रांड रीबॉक। तो आपको पता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है? गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरियल आता है जिसका 6 से 7 पार्ट है, बहुत बेहतरीन सीरियल है, 6-7 सीजन अभी तक खत्म हो चुका है। तो उसकी जो एक्ट्रेस थी नैथेलिया, उनको रीबॉक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी क्राफ्ट हिंज इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड फॉर्मर क्रिकेटर सौरभ गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए एक बात बताते हैं, आप लोग कंप्लान पी होंगे, कंप्लान किस कंपनी का होता है? क्राफ्ट हिंज इंडिया। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट देखते हैं। MS धोनी फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समुद्रा ग्रुप। तो देखिए समुद्रा ग्रुप जो है उसका पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है बने हैं? MS धोनी। नेक्स्ट देखते हैं। रोहित शर्मा जो है वो चुने गए हैं शार्प टीवी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लिपकार्ट अपॉइंटेड रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको पता है कि फ्लिपकार्ट, आपको पता ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो होता है,
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब तो ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, मगर जो फ्लिपकार्ट है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिगो पेंट्स साइन MS धोनी एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडिगो पेंट जो होता है, इंडिगो पेंट्स आप आता है, आप देखिएगा दीवार पेंट करने के लिए, घर पेंट करने के लिए, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। देखिए, डाबर अपॉइंटेड कृति सेनन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स स्किन केयर ब्रांड फेम। तो जो डाबर का स्किन केयर का जितना भी सम प्रोडक्ट आता है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कृति सेनन को। विराट कोहली अपॉइंटेड, देखिए विराट कोहली के ऊपर बहुत सारा ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली और अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडिया के, इसलिए जितना भी मार्केट के ब्रांड एम्बेसडर होंगे ऑलमोस्ट में इन्हीं लोग को बनाया जाता है। तो विराट कोहली के बारे में आप देख चुके, अभी तक चार पाँच के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट किसका है? रिमिट टू इंडिया। तो विराट कोहली अपॉइंटेड रिमिट टू इंडिया ब्रांड एम्बेसडर एज ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पोर्टल। तो ये रिमिट टू इंडिया जो है, ये ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पोर्टल है, इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हुए हैं। देखिए, कृति सेनन एंड द सुशांत सिंह राजपूत अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हर्लपूल। देखिए, ये फ्रिज होता है व्हर्लपूल का, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। चलिए देखते हैं, डॉलर मिसी हैज रोप्ड इन द मॉडल एंड द बॉलीवुड सेंसेशन चित्रांगदा सिन हैज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो डॉलर मिसी का कौन है? तो ये है चित्रांगदा सिन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए, एम्बेर हर्ड हैज बिन बिकम द लेटेस्ट वुमेन टू ज्वाइन ओरल पेरिस एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ कुछ जो फॉरेन के बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर, उसको भी ऐड किया गया है। तो कृति सेनन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा। तो देखिए, तीन चार हो गया, कृति सेनन भी मेन अभी मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर में, ये भी तीन चार इनका ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाटा के बारे में आपको पता है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है बाटा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अमिताभ बच्चन के बारे में देखते हैं। मुथूट ग्रुप हैज रोप्ड इन अमिताभ बच्चन एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि इससे अमिताभ बच्चन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन। तो आप लोग पता होगा, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो मोबाइल चाहे लैपटॉप से लोग क्या करते हैं, जो दोनों दोनों टीम खेलता है उसके 11 प्लेयर को चुना जाता है, और अगर वो सबसे अच्छे स्कोर करते हैं तो उसमें प्राइज भी मिलता है, 50,000, 1 लाख, जो भी होता है। इंडिया बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम का ये है ड्रीम इलेवन। चलिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। देखिए, कम से कम यहाँ पर जो बेल आइकन है, लाइक बटन है, इसको तो दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं, लुब्रिकेंट इंडिया ये हिंदुजा ग्रुप कंपनी गल्फ हैज साइंड इंडियन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर देखिए, हिंदुजा ग्रुप कंपनी जो है, इसका पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? MS धोनी थे, अपने MS धोनी बाबा थे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर, बाद में हार्दिक पांड्या भी जुड़ गए। तो अभी ये दोनों जो हैं, हार्दिक पांड्या और MS धोनी हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये याद रखिएगा कि फिलहाल अभी करेंट में हार्दिक पांड्या का नाम चल रहा था, हार्दिक पांड्या भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड AICFB का कौन है ब्रांड एम्बेसडर? ये हैं ग्रांड मास्टर विदित गुजराती। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे चेस में एक तरह से बोल सकते हैं विश्वनाथानंद के बाद ये भी उभर के बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चॉकलेट मेकर मार्स व्रिंगली कॉन्फेक्शनरी हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर MS धोनी एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पॉपुलर चॉकलेट स्नीकर्स। तो आप लोग देखे होंगे, जब भी आप किसी भी शॉप में जाते होंगे तो स्नीकर्स चॉकलेट खाए भी होंगे, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्नीकर्स का? MS धोनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाटा न्यू स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड ब्रांड पावर इंडियन फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंधाना। तो देखिए, बाटा का दो लोग हो गया, बाटा का एक तो आपको कृति सेनन थी ही, मगर दूसरा बाटा न्यू स्पोर्ट्स वेयर जो होगा, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसका कौन बनाया ब्रांड एम्बेसडर? स्मृति मंधाना, ये इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम में खेलती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए सोहेब अख्तर अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोहेब अख्तर को।
नेक्स्ट देखते हैं, ए आर रहमान बिकम द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गया? ये हो गए ए आर रहमान। और असम का स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास, उनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सचिन तेंदुलकर में T20 मुंबई लीग ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए T20 मुंबई लीग आपको पता है मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उनका ही टीम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर मुंबई लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वन प्लस सिक्स आपको पता है, वन प्लस सिक्स मोबाइल है, तो वन प्लस सिक्स अपॉइंटेड एज द अमिताभ बच्चन एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स। देखिए आपको क्या करना है कि ब्रांड एम्बेसडर को दो तीन बार वीडियो को देख लेना है, बस आपका क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, एक आपका इमेज के साथ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, और उसके बाद आप आराम से जब क्वेश्चन आएगा तो आपके कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा और आप आंसर करेक्ट मार दोगे। तो देखिए अब हम लोग समरी में देख लेते हैं कि कौन कौन सा कैसे कैसे था। अभी तक तो आप पूरा देख लिए, आमिर खान का वीवो मोबाइल के हैं ब्रांड एम्बेसडर, ऐश्वर्या राय बच्चन का देख लीजिए, कोक का है, कोक की हैं ब्रांड एम्बेसडर, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओरियल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लॉन्गिनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लक्स प्लस पोलियो कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर है, अक्षय कुमार देखिए डॉलर क्लब विस्टा का ब्रांड एम्बेसडर है, लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर है, एलजी के ब्रांड एम्बेसडर है, माइक्रोमैक्स के ब्रांड एम्बेसडर है, थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर है और रोड सेफ्टी। अमिताभ बच्चन को देखिए कैडबरी, डाबर, इमानी, गुजरात टूरिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुजरात टूरिज्म आप देखेंगे भी होंगे, टीवी में आते रहता, ICIC, निरोलेक, प्लस पोलियो कैंपेन, जेन मोबाइल, ये सबके अमिताभ बच्चन हैं। ऋतिक रोशन आपको पता है ऋतिक रोशन के बारे में, तो ये कैंथोल, हीरो होंडा, करिश्मा, पेरिल, हाइड एंड द सीक एंड प्रोवोग्यू, सोनी इरिक्शन, इसके कौन है? ऋतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर हैं। करीना कपूर के बारे में देखते हैं, एयरटेल, इमामी, गीतांजलि, हेड एंड द शोल्डर, लक्स, महिंद्रा स्कूटर्स, पेप्सी एंड सोनी इरिक्शन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैटरीना कैप देखिए इटिहाड एयरवेज, लक्स, नक्षत्र, पैनासोनिक, पैनाथीन स्पीसीज टेलीकॉम, तो इसके कौन है? कैटरीना कैप। देखिए एक प्रोडक्ट का एक से ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि एक प्रोडक्ट के सिर्फ एक ही ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उसमें प्रोडक्ट में बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, ब्यूटी प्रोडक्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सैफ अली खान किसके प्रोडक्ट के हैं? तो देखिए एशियन पेंट, लेज, एयरटेल, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, वैनकॉम मोबाइल, तो इसके सैफ अली खान ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शाहरुख खान को एयरटेल, डिश टीवी, इमामी, हुदई, ICIC, निरोलेक, नोकिया, वीडियोकॉन, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड निरोलैक। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विराट कोहली, विराट कोहली किसके हैं? एडिडास के, टोयोटा के, बूस्ट ड्रिंक के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के, बहुत इम्पोर्टेंट है, सेलकॉन मोबाइल, क्लिनिक, ऑल क्लियर शैम्पू, सिंथॉल, हर्बलिफ प्रोडक्ट, मंच, फास्ट ट्रैक, नाइक, रेड सेफ, संगम क्लोदिंग, टीवी, बाइक, फेयर एंड लवली, पेप्सी, फ्लाइंग मशीन, ये सारे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। चलिए अब सचिन तेंदुलकर के बारे में देखते हैं, MRF टायर आपको पता होगा, MRF से जितने भी रिलेटेड होता है सब ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ही थे, ठीक है, और हैं भी। ब्रिटानिया बिस्किट, वीवा लाइफ इंश्योरेंस, JP ग्रुप सीमेंट, कोको कोला, ल्यूमिनियस पावर बैकअप सॉल्यूशन, तो देखिए ल्यूमिनियस विस्टा का जो है विराट कोहली बने हैं, ल्यूमिनियस पावर बैकअप UP सॉल्यूशन सचिन तेंदुलकर थे ही, मुसाफिर.com, देखिए ऑडिमार्स पिग्वेट वॉच, देखिए बहुत सारा है, आप जैसे एडिडास हो गया, कैस्ट्रोल हो गया, बूस्ट हो गया, नेशनल एक कोऑर्डिनेशन कमिटी हो गया, वीजा हो गया, फिलिप्स हो गया, ICIC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ICIC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का ब्रांड एम्बेसडर
कौन था, और ओलंपिक एसोसिएशंस गुडविल एम्बेसडर, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक, देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गुडविल एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। स्किल इंडिया मिशन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में इसको लाया गया है, तो स्किल इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। एमएस धोनी का देख लेते हैं, पेप्सिको, रिबॉक, एक्साइड, टीवीएस मोटर, मैसूर, सैंडल शॉप, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी, ओरिएंट, पेप्सिको, पेस्पो, एयरसेल, भारत पेट्रोलियम, टाइटन, सोनाटा, एनडीटीवी, जी मनी, सियाराम, बिग बाजार, बूस्ट, डाबर हनी, कोलकाता फैशन वीक, या फिर अमरपाली ग्रुप जो रियल इस्टेट है, ये सारे के एमएस धोनी ब्रांड एम्बेसडर है। डिजिटल इंडिया कैंपेन एम्बेसडर, तो डिजिटल इंडिया जो नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया था, डिजिटल इंडिया, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, देखिए सातवत जगवानी, सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रहा है उसको ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सातवत जगवानी जो है ऑल इंडिया आईआईटी जेई एडवांस टॉपर 2015 के। तो देखिए जो अभी आईआईटी के जो टॉपर थे 2015 के, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका, डिजिटल इंडिया का। कृति तिवारी आईआईटी जेई एडवांस गर्ल्स टॉपर, तो ये दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। अंकित फाड़िया एंड द प्रणम मिस्त्री, ए कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड द ऑथर ऑफ सिक्स सेंस। तो जो अंकित फेडिया एंड द प्रणब मिस्त्री हैं, मिस्त्री, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये सिक्स सेंस एक बुक करके आता है, उसके ऑथर हैं, बहुत बेहतरीन बुक है सिक्स सेंस, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। स्वच्छ भारत मिशन यूथ बेस्ट, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए यूथ बेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, तो ये हैं दिया मिर्जा, स्वच्छ सारथी प्रोग्राम एम्बेसडर दिया मिर्जा। स्वच्छ भारत मिशन, आपको पता है सफाई अभियान से बहुत सारा चीज़ चल रहा है, तो सिटी कंपोस्ट कैंपेन एम्बेसडर कौन बने हैं, अमिताभ बच्चन। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन यूथ बेस्ट है, और यहाँ पर नेक्स्ट में स्वच्छ भारत मिशन यूथ बेस्ट आएगा तो दिया मिर्जा, और स्वच्छ भारत मिशन आएगा तो अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया के कौन है ब्रांड एम्बेसडर, पीएम हम लोग के नरेंद्र भाई मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कौन है, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक के बारे में आपको आइडिया होगा। देखिए माँ, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, ए नेशन वाइड प्रोग्राम टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, माधुरी दीक्षित। तो आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी इंडिया का जो रैंक है वो बहुत पीछे है, मतलब यहाँ की औरतें अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं, इसमें भी ऑल पूरे वर्ल्ड का जो रैंकिंग है उसमें इंडिया जो है वो आगे नहीं है, मतलब पीछे ही है, 50% के बाद ही है वो, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है, ममता अभियान, ममता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माधुरी दीक्षित। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना सानिया मिर्जा एंड महेश बाबू, तो आप देखिए सानिया मिर्जा तो टेनिस प्लेयर हैं और महेश बाबू कौन है, ये हीरो हैं हम लोग के। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन कुलदीप यादव, कुलदीप यादव के बारे में आपको आइडिया होगा, कुलदीप यादव जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है इलेक्शन कमीशन के। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म महेंद्र सिंह धोनी, तो आपको पता है कि एमएसडी कहाँ के हैं, वो झारखंड के ही रहने वाले हैं, तो झारखंड का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं को बनाया गया है। इंडियन एम्बेसडर फॉर द रियो ओलंपिक 2016 ए आर रहमान एंड द क्रिकेट आइकॉन सचिन तेंदुलकर, ए शूटर अभिनव बिंद्रा एंड द बॉलीवुड स्टार सचिन सलमान खान। तो ये रियो ओलंपिक 2016 के ब्रांड एम्बेसडर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन साइटेट्रिक सोसाइटी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिप्रेशन, तो दीपिका पादुकोण। तो आपको पता है साइकेट्रिक सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, दीपिका पादुकोण। ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, अभी वैकेंसी भी निकला था कुछ दिन पहले, तो सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु, पीवी सिंधु को उसके सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2017, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2017 का हुआ था उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सचिन तेंदुलकर। एम्बेसडर टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आपको पता है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, ये आएगा एग्जाम में। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिया मिर्जा, स्वच्छ भारत अभियान इन उत्तराखंड अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को देखिए रोड सेफ्टी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और स्वच्छ भारत अभियान इन उत्तराखंड उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इवन इन्वायरमेंट गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया दिया मिर्जा, इसका भी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक इन इंडिया का कौन है, पिरूज कंबाटा, रसना चेयरमैन। तो मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये हैं पिरूज कंबाटा। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का चेयरमैन कौन है, दीपिका पादुकोण, जैसे कि हम बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। स्वच्छ साथी, ठीक है, स्वच्छ साथी, स्वच्छ भारत मिशन यूथ बेस्ड प्रोग्राम जो है उसमें एक पार्ट है स्वच्छ साथी, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दिया मिर्जा। सिटी कंपोस्ट कैंपेन ए पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, इसका कौन है, सिटी कंपोस्ट कैंपेन, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। तो चलिए इसी के साथ ब्रांड एम्बेसडर ऑलमोस्ट मतलब 99.999% चांस है कि इससे बाहर कोई भी ब्रांड एम्बेसडर आपका नहीं होगा। और देखिए अगर अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम लोग भी मेहनत करते हैं तो हम लोग को पता चलना चाहिए ना कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के वर्क में। तो चलिए थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड सब्सक्राइब, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।